दोस्तों, आपने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जिसके नाम पर अभी तक कई रिकॉर्ड दर्ज किए जा चुके हैं। आज हम बात करेंगे इस टावर्स के बारे में, इसे आखिर कैसे बनाया गया था और इसे बनाने में कितने रुपए खर्च हुए थे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस बिल्डिंग से जुड़े फैक्ट्स के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। रहस्य स्टूडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था अमेरिकन डिज़ाइनर एंड्रेनो स्मिथ ने, और इसे बनाने का काम दिया गया था साउथ कोरिया की एक आर्किटेक्चर कंपनी सैमसंग CNT कॉरपोरेशन को। इसका निर्माण 6 जनवरी 2004 को शुरू हुआ था। शुरुआत में इसे मात्र 432 मीटर तक ही बनाया गया था, लेकिन बाद में इसकी नींव इतनी मजबूत थी कि इसे 300 मीटर तक और डिज़ाइन किया गया था। इसके निर्माण में 1,10,000 टन कंक्रीट, 55,000 टन स्टील लगा था। इसे लगभग 12,000 लेबर्स ने और कई मशीनों ने दिन रात काम करके बनाया था। इस बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में 26,000 मीटर्स का प्रयोग किया गया, जिससे इसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना ही रहता है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 830 मीटर है और इसमें लगभग 163 फ्लोर हैं। 2 जनवरी 2010 को ये बिल्डिंग पूरी तरह से बन चुकी थी और 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई। शुरुआत में इसका नाम बुर्ज खलीफा रखा गया और 10 मार्च 2010 को ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड बना लिया। इसे बनाने में लगभग $1.5 बिलियन लगाने पड़े थे। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि इसमें फर्स्ट फ्लोर से 163rd फ्लोर तक जाने में कुछ ही सेकंड का वक्त लगता है। इसका कारण है इसकी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली लिफ्ट। इस बिल्डिंग के 158th फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल भी बना हुआ है और अभी तक ये बिल्डिंग 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग अभी भी बन रही है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर से भी अधिक होने वाली है। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ऑल करें, जिससे हमारी वीडियो की सब नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी मिस्टीरियस एंड बी सेफ।